हेलो गाइस, वेलकम टू टीम्स फॉर इन यूट्यूब चैनल। तो अभी हम बात करने वाले हैं जो आज रात का नेशंस लीग का मैच है, इटली वर्सेस नीदरलैंड्स। बहुत अच्छा मैच है ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग इस मैच में जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा मैच है ग्रैंड लीग के लिए भी। तो अभी मैं बताऊंगा क्यों और कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो उसके लिए एंड तक देखते रहो, वीडियो लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना, लाइक करना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। रेगुलर वीडियोज़ मिलेगी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों स्पोर्ट्स की, बास्केटबॉल वगैरह की भी मिलेगी, पर मेन आपको क्रिकेट और फुटबॉल की वीडियोस डेली मिलेगी। तो अभी सब्सक्राइब करो। बात करूँ इस मैच की, तो इटली की लाइनअप्स 4-3-3 फॉर्मेशन रहने वाला है। ये लाइनअप्स, दो तीन चेंजेस एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, जो लास्ट मैच में उनकी लाइनअप्स थी। स्टीफन अल सरावी आ सकता है लोरेंजो पेलेग्रीनी की जगह। इमोबिले नो डाउट, ये तो पक्का चेंज होगा, इमोबिले आएगा। लास्ट मैच में आंद्रे बेलोटी ने स्टार्ट किया था, इमोबिले बेंच पे था। किएजा अपनी जगह रिटेन करेगा। लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस था किएजा का, एक चांस जरूर मिस किया, अच्छा चांस मिस किया, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो अच्छा था किएजा। निको बरेला, जॉर्जिनियो और वेराती, यहाँ पे इनके रिकॉर्ड की बात करूँ तो सरावी ने 6 मैचेस में कोई गोल नहीं किए, इमोबिले ने 3 मैचेस में एक गोल किया, पर लास्ट सीजन का टॉप स्कोरर, पूरे यूरोप में टॉप स्कोरर था, गोल्डन बूट विनर, बहुत अच्छा प्लेयर है किएजा। 3 मैचेस में 1 गोल 1 असिस्ट, लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया था किएजा ने। निको बरेला 2 मैचेस में 0 गोल, कोई गोल नहीं किया, पर परफॉर्मेंस बंदे की अच्छी रही है। अनलकी रहा है, गोल या असिस्ट नहीं कर पाया, पर कभी भी कर सकता है, परफॉर्मेंस जो हर मैच में इसकी अच्छी रहती है। जॉर्जिनियो 3 मैचेस में 3 गोल 1 असिस्ट, पर जॉर्जिनियो ने तीनों गोल पेनल्टीज से किए हैं, और इटालियन टीम में वो पेनल्टी नहीं लेता, इटालियन टीम में इमोबिले पेनल्टी लेता है। जॉर्जिनियो ओपन प्ले से गोल कम करता है, मतलब बिना पेनल्टीज के उसके गोल बहुत कम है। पिछले 2 साल में 1-2 गोल ही हैं जो उसने बिना पेनल्टी के किए हैं, और असिस्ट तो है ही नहीं, एक आधा असिस्ट है पूरे 2 साल में। तो जॉर्जिनियो को पिक मत कर लेना आप, जॉर्जिनियो से बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। वेराती, वेराती ने 5 मैचेस में कोई गोल कोई असिस्ट नहीं किया, पर ये सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर है फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर मैच में 40-50 पॉइंट्स दे रहा है ये। इटालियन टीम के जो मैचेस होते हैं उनमें 40-50 पॉइंट वेराती हर मैच में दे रहा है, हर मैच में ड्रीम टीम में आपको दिखेगा ये बंदा, हर मैच में इतने पॉइंट्स दे रहा है। तो वेराती अच्छा ऑप्शन है जॉर्जिनियो से, और बरेला भी बेटर ऑप्शन है जॉर्जिनियो से। ऑफेंसिवली दोनों अच्छे हैं, वेराती और बरेला, तो क्यों जॉर्जिनियो के साथ क्यों जाएं। जॉर्जिनियो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, ज़्यादा चांसेस है नहीं गोल या असिस्ट करने के, बहुत ही रेयर चांसेस। चेल्सी में तो फिर भी हो सकता है कर दे, पेनल्टी मिल जाए, पर इटली में तो लगभग मैं कहूँगा बहुत कम चांसेस हैं, रेयर 1-2% चांसेस हैं जॉर्जिनियो के। इतना ऑफेंसिवली इतना एक्टिव प्लेयर है नहीं ये कि गोल कर ले, डिफेंसिव मिडफील्डर है। यहाँ पे भी डिफेंडर्स फ्लोरेंजी, बोनुची, चेलिनी और बिरागी। नीदरलैंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे 4-2-3-1 फॉर्मेशन होने वाला है नीदरलैंड्स का। प्रोमेज 4 मैचेस में 1 गोल, डिपाय 6 मैचेस में 4 गोल, बर्गुइस बहुत शानदार फॉर्म में चल रहा है, फियोनाडगी तरफ से 4 मैचेस खेले हैं, 6 गोल कर चुका है ऑलरेडी। लास्ट सीजन भी अच्छा गया था, और इस सीजन तो स्टार्ट होते ही इसने अपना खेल शुरू कर दिया है। वियनाल्डम 4 मैचेस में कोई गोल नहीं किया, पर इसका रोल अलग है। लिवरपूल और जो नीदरलैंड्स नेशनल टीम की बात करूँ तो दोनों में अलग रोल है इसका। नीदरलैंड्स टीम में बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहती है इसकी, कंपेयर करें तो लिवरपूल की टीम से, क्योंकि रोल अलग है इसका वहाँ पे। जितने गोल इसने लिवरपूल में 1-2 सीजन्स में नहीं किए थे उसने, उतने गोल तो उसने 5-6 मैचेस में नीदरलैंड्स के लिए कर दिए थे, यूरोपियन क्वालिफिकेशन के जो मैचेस थे उनमें। डियोंग डेरून दोनों सेम से हैं, 3 मैचेस 0 गोल, और 3 मैचेस इसने भी कोई गोल नहीं किया, पर वैसे आपको टैकल्स, क्लियरेंस, इंटरसेप्शन इनके पॉइंट्स दिला सकते हैं, दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं। डिफेंस में बात करूँ तो डेंजल डम्फ्राइज ऑफेंसिवली अच्छा है, ट्राई कर सकते हो, टैकल्स वगैरह इनके भी पॉइंट्स दिला सकता है। वन डाइक हेडर्स में अच्छा है, हेडर्स से गोल कर सकता है सेट पीसेस से, तो रिस्क मतलब इसको तो पिक कर ही लेना, हो सकता है हेडर वगैरह से गोल करते वन डाइक, और वैसे आपको क्लियरेंस इनके, टैकल्स इनके तो पॉइंट्स दिलाएगा ही है, तो पिक कर लेना वन डाइक को। तो सेट पीस टेकर्स की बात करूँ तो इटली का कोई स्पेसिफिक सेट पीस टेकर अभी मेरे को पता अभी है नहीं, क्योंकि जो मेन प्लेयर्स हैं इनके सेट पीस टेकर्स, मेन फर्स्ट चॉइस हैं इंसिग्निया वगैरह, वो है नहीं, प्लेइंग इलेवन में नहीं होंगे, तो स्पेसिफिक है नहीं, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा इनका। मेरे को डाउट है या तो वेराती लेगा या फिर किएजा, अभी कन्फर्म नहीं है। पेनल्टी तो इमोबिले लेगा, ये कन्फर्म है। नीदरलैंड्स की तरफ से कॉर्नर्स बर्गुइस और
डिपाई लेगा, मोस्ट प्रोबेबली डिपाई लेगा, वैसे डिपाई लेता है, पर बर्गुइस भी अपने क्लब के लिए लेता है कॉर्नर्स, लेफ्ट कॉर्नर्स, हो सकता है बर्गुइस ले ले, फ्री किक्स डिपाई और पेनल्टीज भी डिपाई। ये डिपाई इंपॉर्टेंट प्लेयर है नीदरलैंड्स की टीम के लिए और आपकी फैंटेसी टीम के लिए भी ज़रूर, कैप्टन और वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन है डिपाई। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे इटली की तरफ से, इटली ने 5 मैचेस में 2 ड्रॉ 3 मैचेस जीती हैं, नीदरलैंड्स 5 में से 2 जीती हैं, 2 ड्रॉ रहे हैं, 1 मैच हारी है, 1 मैच ही हारी थी इटली के अगेंस्ट, जो लास्ट मैच हुआ था नेशंस लीग में वो हार गई थी नीदरलैंड्स इटली के अगेंस्ट 1-0 से, निको बारेला ने गोल किया था उस मैच में, एक इकलौता गोल। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल की बात करूँ तो देख सकते हो इंटरनेशनल मैचेस लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, नेशंस लीग में तो ये ट्रेंड ही चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द मैचेस 1-0 वगैरह ऐसे मैचेस हो रहे हैं, 1-0 0-0 ऐसे स्कोर लाइन रहती है। ये देखो इटली जैसी टीम 3 मैचेस में केवल 2 गोल किए हैं, नीदरलैंड्स 3 मैचेस में 1 गोल, तो देख सकते हो कितने लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं ये। तो मेरा सजेशन यही है कि 4 डिफेंडर्स तो कम से कम लो, 5 के साथ भी जा सकते हो, 4 डिफेंडर्स तो कम से कम लो, क्योंकि अगर 0-0 हो जाता है तो आपके पास चांस रहेगा, आप जीत सकते हो, अगर आपकी डिफेंड आपके ओपोनेंट के पास 5 डिफेंडर नहीं है, अगर आप 4 के, अगर आप 3 के साथ गए तो पहले ही आउट हो जाओगे, वैसे मतलब डायरेक्टली आउट हो जाओगे अगर कोई गोल नहीं होता तो। पोलैंड 3rd पोजीशन पे है 4 पॉइंट के साथ, नीदरलैंड 2nd पे है, पॉइंट्स दोनों के चार चार आए पर गोल डिफरेंस के साथ नीदरलैंड्स आगे है गोल डिफरेंस की वजह से। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो इटली हमेशा से भारी पड़ी है नीदरलैंड्स पे, नीदरलैंड्स लास्ट टाइम नीदरलैंड्स ने हराया था इटली को 2008 में 3-0 से, उसके बाद 6 मैचेस हुए हैं, 3 ड्रॉ 3 मैच हारी है। स्टेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे इटली अभी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है, 18 मैचेस के अनबीटन रन पे है, 14 मैचेस जीती हैं, 4 ड्रॉ रहे हैं, और जो लास्ट मैच था उनका वो ड्रॉ रहा है बोस्निया के, सॉरी पोलैंड के अगेंस्ट 0-0 ड्रॉ रहा था वो। नीदरलैंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे लोएस्ट स्कोरिंग साइड है अपने ग्रुप में, केवल एक ही गोल स्कोर किया है 3 मैचेस में, जैसा कि मैंने आपको बताया इटली हमेशा से भारी पड़ी है नीदरलैंड्स पे, 9 मैचेस 22 मैचेस में से 9 जीते हैं इटली ने, 10 रहे हैं ड्रॉ, 3 जीते हैं नीदरलैंड्स ने, तो रिकॉर्ड इटली का बहुत अच्छा है नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो आप यहाँ पे की प्लेयर्स की बात करूँ यहाँ पे तो मेम्फिस डिपाई लास्ट मैच मिस किया था बोस्निया के अगेंस्ट, जो मैच था नीदरलैंड्स का 0-0 ड्रॉ रहा था, डिपाई ने वो मैच मिस किया था सस्पेंशन की वजह से, पर इस मैच में वापसी करेगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी नीदरलैंड्स की, तो अच्छा ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। स्टीवन बर्गुइस, जिस तरह की इसकी फॉर्म चल रही है इस बंदे की, तो जरूर ट्राई करो इसको एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन, ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में पिक जरूर कर लेना है इसको, फॉर्म बहुत शानदार चल रही है इसकी, हो सकता है जल्दी सब्सटीट्यूट हो जाए, पर जिस तरह की फॉर्म है अच्छा परफॉर्म किया तो फुल टाइम भी खेल सकता है, तो जरूर पिक कर लेना है इसको। ग्रैंड लीग की बात करूँ यहाँ पे स्मॉल लीग टीम, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्मॉल लीग टीम टेलीग्राम चैनल चैनल पे ही मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टीम्स फॉर विन का टेलीग्राम चैनल है, 90,000+ सब्सक्राइबर्स हैं, तो देख लो आप जरूर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। ग्रैंड लीग की बात करूँ यहाँ पे तो ग्रैंड लीग में इस मैच में 6 स्ट्राइकर्स हैं, दिखाऊँ मैं आपको, इस मैच में 6 स्ट्राइकर्स हैं यहाँ पे, 3 स्ट्राइकर्स तो ये कियेज़ा, इमोबिले, स्टीफन अल सरावी, 3 स्ट्राइकर्स ये और 3 स्ट्राइकर्स इनमें बर्गुइस, डिपाय, प्रोमेस। तो मेरा सजेशन यही है कि ग्रैंड लीग जरूर ट्राई करो, 6 टीम्स बनाओ, बोथ टीम स्कोरिंग के प्रेडिक्शन से, मतलब दोनों टीम स्कोर करेगी ऐसे बनाओ, और 3 आप फिक्स कर लो अपने 3 स्ट्राइकर्स, अगर आपका कॉम्बिनेशन सही बैठ जाता है तो चांसेस हैं कि आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। स्ट्राइकर्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड कर सकता है, अगर हाई स्कोरिंग मैच होता है ये तो स्ट्राइकर्स का कॉम्बिनेशन अगर आपका बेस्ट हो जाता है, आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाएंगे। 6 स्ट्राइकर्स हैं, मुश्किल है 3 बेस्ट सेलेक्ट करना, तो अगर हो जाते हैं किस्मत से बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो ग्रैंड लीग भी जीत सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो अभी। थैंक यू।